बोलो जय जय राधा रमण बिहारी जी की। माँ काली को बहुत सब ध्यान से सुनना, माँ आपको सब ध्यान से सुनना। माँ काली का बहुत बड़ा साधन और माता का पूरा जीवन भर पूजा किया, पर कभी कुछ माँ से मांगा नहीं, कभी कुछ माँ से मांगा नहीं। जब कभी कुछ नहीं मांगा, अंतिम समय जब शक्ति का आया तो उसने क्या किया? जब व्यक्ति शरीर से प्राण जिसका निकलता है, जब व्यक्ति शरीर से प्राण छोड़ता है तो उसको इतना दर्द होता है, भागवत में लिखा है 20,000 बिच्छु डंक मारने के बराबर एक साथ 20,000 बिच्छु डंक मारे ना, इतना दर्द होता है ना। तो जैसे शरीर का एक अंग टूट जाने से इतना दर्द होता है, तो संपूर्ण शरीर से जब बाहर निकलेगा तो इतना दर्द होता है, एहसास करो ना, तो संपूर्ण शरीर से बाहर निकलते समय कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो उस समय उस व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा था, तो उसने क्या किया? माँ 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 कहा। जैसे माँ कहा ना, देवी काली साक्षात प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उनको गोदी में ले लिया, क्योंकि पूरे जीवन भर उन्होंने पूजा किया देवी का। देवी काली साक्षात प्रकट होके उनको गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के कहता है, बच्चा तुझे क्या चाहिए, शरीर में दर्द हो रहा है तेरे? माँ ने जैसे हाथ फेरा, सारा शरीर शीतल हो गया, एकदम निर्मल हो, दर्द सब गायब हो गया। और मुझे क्या चाहिए बच्चा, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तूने इतना मेरा भजन किया, इतना मुझे माना, पर कभी कुछ मांगा नहीं मेरे से, इसलिए अंतिम समय तूने मुझे उतारा, इसलिए मैं आई, तो तू कुछ मांग, मैं कुछ देना चाहती हूँ। तो वो पता है क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, माँ अगर मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे एक ही चीज दीजिए, मैं जीवन भर कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, तो एक चीज क्या बोलते, एक चीज ये दीजिए कि मुझे संसार से आवागमन मेरा छूट जाए। क्या छूट जाए? संसार से आवागमन छूट जाए और मुझे मुक्ति दे। काली बोलती है, ये तो मैं नहीं दे सकती, इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो, धन मांगो मैं दूंगी, संपत्ति मांगो मैं दूंगी, और चीज मांगो मैं दे सकती, पर मैं मुक्ति नहीं दे सकती, ऐसा कहा। और कुछ नहीं मांग सकती तो बोलते, धन संपत्ति दौलत अगर मुझे चाहिए होता तो मैं पहले ना मांग लिया होता, अब मरते समय आके मैं ये सब चीज लेके करूंगा क्या? माँ अगर मुझे देना है तो यही वरदान नीचे नहीं कर देगा, मुझे चाहिए नहीं, मैं सोचूंगा मेरा मेरा साधना विफल है, ऐसा सोचूंगा, ऐसा कहा। माँ और दुखी हो गई, लास्ट में समय पे कुछ मांगा दे नहीं पाई, तो माँ ने क्या कहा? बेटा मैं तुझे मुक्ति नहीं दे सकती, पर हाँ मुक्ति के मार्ग दिखा तो मैं तेरा गुरु बनती हूँ और मैं तुझे शिक्षा प्रदान करती हूँ, क्योंकि मुक्ति देने वाले मात्र मुकुंद है। कौन है? मुक्ति देने वाले मुकुंद। मुकुंद का मतलब क्या है? मुक्ति ददाति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करता है उसका नाम मुकुंद है। तो मुकुंद किसका नाम है? किसका नाम जो शब्द किसका नाम है? तो भगवान मुकुंद है ना। तो मुक्ति केवल वही देंगे, मैं तो केवल मार्ग दिखा सकती हूँ,
इसलिए मैं तुझे मैं तेरा गुरु बन के मैं तुझे आशीर्वाद करती हूँ और तू आज से सब जगह से मन हटा के भगवान नंदन नंदन का चरण का भजन कर तब तुझे मुक्ति मिले ऐसा कहा। तब उसने उस भक्त ने उस भजन को लिखा कौन सा भजन भज बुले मन श्री नंदन अभय चरण ये मन बहुत इधर उधर भटक गया बहुत इधर उधर चला गया। अब अगर भजन करना है तो नंदन नंदन का भजन कर अन्यथा किसी का नहीं इधर उधर बहुत भटक लिया देख लिया कहीं कुछ नहीं है तो सो गा रहे हैं भज बुले मन श्रीनंद नंदन अभय चरण जिसके चरण पकड़ने से सब 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 सभी प्रकार की भय नष्ट हो जाता है जिसके चरण पकड़ने से ऐसे अभय चरण का तुम भजन कर मन को समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं सीता आप अपमान परिश्रम जैसे ठंड गर्मी आती है हां गर्मी आता है ठंड चला जाता है हां उसी प्रकार शरीर में दुख और सुख आते जाते रहते हैं क्या है दुख सुख आते जाते रहते हैं आपस में पाप परिश्रण ये जीवन यामिनी नामी ये जो जीवन मिला है शरीर शरीर में कभी दुख कभी सुख अपने आप आता है अपने आप जाता है। कोई व्यक्ति दुख पाने के लिए प्रयास करते हैं संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुख पाने के लिए प्रयास करते हो साधन करते हो ऐसा है नहीं नहीं पर फिर भी दुख आता है कि नहीं आता है तो सुख पाने की चाह क्यों करते हो समझ में आया कि नहीं आया नहीं आया जब दुख पाने की चाह हम करते नहीं जब दुख अपने आप आता है तो सुख पाने की चाह ही नहीं करते हैं कि सुख भी अपने आप आएगा जब उसका समय आएगा सुख अपने आप आएगा बिना बुलाए हम सोचते हम करते हैं वास्तविक में हम नहीं करते हम बता रहे कैसे प्रैक्टिकल में जब हम देखते हैं ना प्रैक्टिकल में देखते हैं देखना जिस व्यक्ति का जब समय नहीं होता तो चाहे वो कितना भी प्रयास करे तो काम होता ही होता है कितना भी कर ले नहीं होगा पर जिस समय उसका साथ देगा तो समय आ जाएगा तो समय आ जाने से क्या होगा वो काम अपने आप बनता चला जाएगा देखा है कभी अपने आप बनता है कड़ी से कड़ी अपने आप जुड़ जाता है ना और अपने आप बनता चला जाता है फिर जब कितना होता अपने आप कितना चला जाए समझ में आया कि नहीं आया तो ये जो हमारे अंदर जो करते हैं हम जो कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं ये कौन कर रहा है भगवान नहीं प्रकृति कर रही है कौन कर रही है प्रकृति हमारे अंदर प्रकृति तत्व है कौन सा तत्व है प्रकृति तत्व है तो प्रकृति तत्व होने के कारण जब वो समय आएगा तो समय आने से हमारे अंदर जो कौन सा तत्व है प्रकृति का तत्व वो तत्व हमारे शरीर में मिलकर वो कार्य अपने आप जबरदस्ती कराता है हमसे तब हम करते नहीं है देखना जब अच्छा वक्त आता है ना वक्त जब अच्छा आता है तो व्यक्ति ना सोच के भी वो काम करता है तो अच्छा जब हो जाता है सुंदर में तो चाहता ही नहीं तो हो गया ऐसा बोल सुना है कभी वो कैसे होता है वो तो वो प्रकृति स्वयं दुष्ट कराती है अगर हमारे भाग्य में होता है हम सोचते हम कर रहे हैं तो हम नहीं करते भाग्य में अगर सुख होता है तो प्रकृति अपने आप शरीर में प्रवेश करके वो काम कराएगा वो कोई रोक नहीं सकता उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब साइंस क्या कहती है प्रकृति अपने आप साइंस क्या कहती है प्रकृति अपने आप चलती प्रकृति को चलाने वाला कोई नहीं ऐसा है देखो मैं जब बहुत छोटा था हमारा हेडमास्टर ने ऐसा कहा सब अपने आप होता है प्रकृति अपने आप चलती है तो वहाँ हाई स्कूल है ना हाई स्कूल
थर्माकोल का हाई स्कूल बना हुआ था, नक्शा बना था, नक्शा मॉडल बना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा ये किसने बनाया, ये हम लोगों ने बनाया, मॉडल तैयार किया था। मैंने बोला इसने जब कीड़े मकोड़े जाएंगे वो सबके काम नहीं आता, कहने की बात नहीं क्या। मैंने बोला तुम्हारा दिमाग कैसा ही है, कैसा छोटा सोच, क्या है छोटा सोच, चिट्ठी मकोड़ी का कितने दिमाग होता, कितना बड़ा शरीर है, कितना बड़ा दिमाग है, छोटा सोच रखने वाले ऐसे ही सोचते हैं कि प्रकृति अपने आप चलती। पर मैं एग्जाम्पल साइंस से ही दूंगा, प्रकृति अपने आप नहीं चलती। कौन चलाता है प्रकृति को, समय चलाता है। कौन चलाता है, समय। प्रकृति अपने आप नहीं चलता, प्रकृति कभी एकदम से परिवर्तन नहीं होता, समय के अनुसार धीरे धीरे प्रकृति परिवर्तन होता होता है ना, ऐसे परिवर्तन होता है एकदम से होता था नहीं। तो समय कौन है, भागवत में बताया स्वयं समय, स्वयं काल, भगवान साक्षात समय है। कौन है, भगवान ही साक्षात समय है। तो प्रकृति को चलाने वाला कौन है, समय। समय कौन है, भगवान है। साइंटिस्ट आज तक ये समझ नहीं पाया प्रकृति चलाने वाला समय, ये आज तक समझ नहीं समझ में आया। तो प्रकृति को कौन चलाता है, समय चलाता है। इसीलिए कहते हैं जब समय के आगे कोई नहीं चल सकता है, सब जो चलता है किसके पीछे चलता है, दुनिया जो चलती है किसके पीछे चलती है, समय के पीछे चलती है। समय को पार करके कोई जा नहीं सकता है क्योंकि समय के आगे चलने की किसी की मत नहीं है। इसलिए दुनिया किसके पीछे चलती है, समय के पीछे चलती है। इसलिए प्रकृति को चलाने वाला समय होता है। बच्चे बात मत करो, जिसके बच्चे हैं वो अपने अपने बच्चों को संभाले, नहीं सोचते। तो समय प्रकृति को चलाना है और समय है साक्षात भगवान। तो इसलिए कह रहे हैं अपने आप आता है, दुख भी अपने आप आता है, और दुख भी चला जाता है, सुख भी चला जाता है। तो उसी प्रकार हमारे भाग्य में होगा तो होगा, पर हमको ज्यादा प्रयास किसमें करना चाहिए, हमको प्रयास अगर करना है तो भगवान भजन में प्रयास करना चाहिए, खाने पीने कमाने के लिए प्रयास। क्यों, क्योंकि वो स्वाभाविक होगा। क्यों, क्यों स्वाभाविक होगा, क्योंकि वो प्रकृति चला रही है। कौन चला रही है, प्रकृति। जैसे प्रकृति का परिवर्तन होता है स्वाभाविक होता है, परिवर्तन करने वाला व्यक्ति होता है, समय के अनुसार होता है। तो उसी प्रकार हमारे स्वभाव में जो चीज है उसको करने की आवश्यकता नहीं होता, समझ में आ रहा है। जो चीज स्वभाव में होता है उसको करने की आवश्यकता नहीं होता, जो स्वभाव में नहीं है उसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो स्वभाव में नहीं है। तो स्वभाव में क्या नहीं है, भक्ति नहीं है, स्वभाव में भजन नहीं है। देखो एक कुत्ता को सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चा पैदा करो पालन करो सिखाना पड़ेगा, नहीं सिखाना पड़ेगा। इंसान के बच्चे को भी नहीं सिखाना पड़ता, किसी के बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता, पर भक्ति को सिखाना पड़ता। तो कहने की तात्पर्य क्या है, ये हमारे स्वभाव में है। ये क्या है, हमारे स्वभाव। तो स्वभाव में जो होता है वो करने की आवश्यकता नहीं होता, वो होता है। आ रहा है समझ में, समय स्वभाव में जो होता है वो करने की आवश्यकता नहीं होता, वो होता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, हम कहते हैं श्वास लेते हैं, पर वास्तविक में श्वास हम लेते नहीं है। क्या करते हैं, श्वास लेना हमारा होता है। क्या होता है, श्वास लेना हमारा होता है। हम लेने के लिए ऐसे ताकत नहीं लगाते, हमको कोई मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता श्वास लेने के लिए, करना पड़ता है स्वाभाविक में। तो उसी प्रकार जो चीज स्वभाव में है उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वभाव में क्या नहीं है, भगवान का भजन नहीं है। अगर उसको ठीक कर दिया तो सब कुछ
ठीक हो जाएगा। इसलिए कह रहे सीता अपत पात परिशरण यदि न यामिनी रे। और फिर क्या कह रहे हैं, ये धाना यौवन पुत्र परिजन, ये धन यौवन पुत्र परिजन जो है ये कोई साथ नहीं जाएगा। और जीवन कैसा है, तो जीवन तरमला कमल दल दल, जैसे कमल के पत्ते में पानी छोड़ दो तो कैसा पानी पीता रहता है, ऐसे ही हमारा जीवन है। कब मर जाएंगे को पता है, कोई पता नहीं। इसलिए कह रहे हैं कब मर जाएंगे कोई पता नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन के द्वारा ये शरीर को नवदा भक्ति में लगा करके अपने जीवन को तारना। तो इसलिए क्या बोलो, सब लोग हाथ उठा के बोलो राधा कमल की, बोलो हरे कृष्णा। और थोड़ा जोर से बोलो, ताकत लगा कोशिश करो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। ओ अमल हरि, अमल हरि, हाथ भी सजा लो, सजा लीजिए, अभी हम कीर्तन गाएंगे फिर आरती करेंगे, ठीक है। हाँ अब एनर्जी तो मिल गया होगा फिर से, ठीक है। अब दीवानी मन हरे कृष्ण, सब लोग पीछे पीछे कहीं कहीं जय हो आएगा और फिर गाना है ना, पूरा पूरा गाना है, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र जोर से बोला ना। अच्छा जो लोग आएगा सुनो एक बात बताओ, जो लोग भगवान के कीर्तन में आके गाते नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहते कहीं जमा के, उनको मालूम है क्या होता है, जो बड़ा बड़ा वाले गाते हैं ना उसका सारा पाप उसके सर पे आके बैठता है, साथ में वो पाप ले जाता। और एक बात, भगवान के कीर्तन भागवत में लिखा है जीवा व्यक्ति भगवत गुणनाम ध्येय, जो व्यक्ति भगवान के कीर्तन में गाता नहीं, जमराज कहते ऐसे व्यक्ति को मेरे पास पकड़ के लाना, और ऐसा व्यक्ति भागवत में लिखा है जो जिसकी जीभा भगवान के नाम नहीं लेती उसका जीभा भगवान अगले जन्म में उल्टा बना दे। उल्टा भी जीभा किसका होता है मालूम है, बैठक का उल्टा भी जीभा होता है, तो अगले जन्म में तर ही करते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हरी नाम कीर्तन करना चाहिए। इसलिए सब लोग पीछे पीछे